सरकार ने पीछे एक सीटी के थ्रू भर्ती निकाली थी हरियाणा में 37,000 युवाओं को नौकरी देने का सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया था, और उसमें से कुछ ग्रुप की हमारी उन्होंने मेन पेपर लेकर के ज्वाइनिंग भी करवाई है। तो अब मतलब माननीय हाई कोर्ट में रीट डली हुई थी उसके खिलाफ की 5 नंबर दिए जा रहे हैं बच्चों को अवैध रूप से, तो अब वो नंबरों की थर्ड पार्टी ने जो डाला था वो हम केस सरकार हार चुकी है, लेकिन हमारे को 5 नंबर किसी प्रकार के मेरिट के अंदर नहीं दिए गए। उसके बाद भी माननीय हाई कोर्ट ने हमारे जो मेन पेपर हुआ था उसको दोबारा लेने के लिए बोला है, तब तक माननीय कोर्ट ने बोला कि आप नौकरी में बने रहेंगे, अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जबकि हमारे उसके अंदर कोई गलती नहीं है सर। हमने हमारा जो सीईटी का प्री का एग्जाम था वो भी हमने क्वालिफाई किया, और जो मेन पेपर नौकरी के लिए लिया था वो भी हमने क्वालिफाई किया था, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उसमें सरासरी सरकार के एजी की गलती है जो माननीय हाईकोर्ट में हमारा पक्ष अच्छे से नहीं रख पाए। उन्होंने डी ग्रुप के लिए बोला कि हमने यहाँ पर 5 नंबर नहीं दिए है जी, तो डी ग्रुप के बच्चे जो आज इन्होंने लगाए थे वो सेफ है, और हमारे ऊपर जी इन्होंने छटनी की तलवार लटका दी है जिससे हमारे अंदर बहुत रोष है। आज हम कैथल जिले के हैं, सभी साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसी प्रकार पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम लगे थे सभी कर्मचारी वो इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद हम पूरे हरियाणा लेवल पर एक मीटिंग का आयोजन कर सेंटर बॉडी का गठन करेंगे, और सरकार के खिलाफ हमारे रोजगार को बचाने के लिए लड़ाई को और तेज करेंगे। सर ग्रुप सी में लगे थे, डी में सर ग्रुप सी के अंदर लगे हैं। किस पोस्ट पे लगे हो सर? ALM है, SA है, ये ग्रुप नंबर 22 था सर। कई पोस्ट? हाँ जी, इसमें कई पोस्टें हैं, वैसे तो मतलब और भी है ग्रुप, लेकिन हमारा जो है मेन हमारी आज 22 नंबर ग्रुप वालों की मीटिंग। मेरा नाम बलकार है सर, और ग्रुप सी की पोस्ट पे हम ALM की पोस्ट पे लगे थे। आज यहाँ इकट्ठे हुए किस विषय को लेकर? ये विषय सर हमारा वैकेंसी के ऊपर है, सीईटी जो 2021 में हुआ था उसमें हमने सबने क्वालिफाई किया था, बिना 5 नंबर क्वालिफाई किया था, और ये रूल भी है गवर्नमेंट का कि अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आपको जो आपके 5 अंक हैं वही मिलेंगे, कम मिलेंगे अगर आप क्वालिफाई करते हो। तो हमने सबने वो क्वालिफाई किया, उसके बाद जब हमारा मेन एग्जाम हुआ उसमें भी हमने कोई भी 5 नंबर लेने का काम नहीं किया। अब रूल ये बना दिया है कोर्ट ने कि जिसने भी 5 नंबर का फायदा उठाया था उन सबको दोबारा पेपर के लिए बुलाया जाएगा, और उन्होंने उनको दोबारा पेपर जो क्वालिफाई करेगा उसको उसकी नौकरी रहेगी, नहीं तो उनको हटा दिया जाएगा। अब जब ये रूल हमारे ऊपर लागू नहीं होता था, हमने 5 नंबर ना वहां से फायदा उठाया ना हमने मेन में इसका फायदा लिया, तो हम कोटा आ गया है। तो इसी नाइंसाफी के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए थे सभी कैथल डिस्ट्रिक्ट के सर्कल के जितने भी लाइनमैन भाई थे SA थे, और उसी के ऊपर विचार विमर्श किया था हमने, कमेटी गठित करके आगे अपनी आवाज उठाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। कितने कर्मचारियों को उठाया है, किस किस पोस्ट पे? ये सर हमारा लगभग 6,500 तो करीब हम ALM और SA थे कैथल जिले की। हाँ नहीं कैथल जिले की, मैं पूरा ऑल ओवर हरियाणा की बात कर रहा हूँ जिसमें वैकेंसी निकाली गई थी, और लगभग अगर टोटल मिला है सारी वैकेंसी जैसे फार्मासिस्ट हो गया, MPSW हो गया, स्टाफ नर्स हो गए, VLD हो गए, अगर आप इन सबको मिलाओगे लगभग 12,500 के आसपास समथिंग था ये पूरे हरियाणा। हाँ, और उन सबको हटाने के जो ऑर्डर आए हैं ये सभी मतलब अभी तो हम सिर्फ ALM और SA के लिए हैं, लेकिन सारे ही ग्रुपों के जो है आगे आगे इकट्ठे होंगे, और उन्होंने सबने आवाज उठाने के लिए इसके लिए बोला गया है, बस हमारे जॉब बचाने के लिए जो 20 ग्रुप है उनके लिए। किस पोस्ट पे थे आप, किस लिए हटाए गए? ALM की पोस्ट पे थे, 5 नंबर का इशू करके हटाए गए हैं, जबकि हमें तो मिले भी नहीं थे। हाँ, तो अब आगे का क्या डिसीजन? बस हमें वापस लो, जब 2.5 नंबर हमें मिले ही नहीं तो वापस लो हमें।